रब को राजी करने की गर्ज से उम्रा की अदायगी के लिए जाने वाले वालिदैन की गैर मौजूदगी में उनकी फूल सी बच्ची ज़ैनब पर जुल्म की ऐसी दास्तान रकम हुई जिसने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। बाबा बुल्ले शाह की धरती कसूर की ज़ैनब 4 जनवरी को घर से ऐसी निकली कि फिर लौट ना सकी। दरिंदा सिफ्त इंसान के हवस का निशाना बनी जिसने 9 जनवरी को कत्ल करके कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। मुलजिम की निशानदही करने पर 1 करोड़ का इनाम रखा गया। ताहम लाश मिलने के 14 दिन बाद सफाक मुलजिम इमरान गिरफ्तार हुआ और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद अक्टूबर में मुलजिम को फांसी दे दी गई। अदालत ने तो इंसाफ कर दिया मगर अहले खाना आज भी गम की तस्वीर बने बैठे हैं। अफसोस के एक ज़ैनब का कातिल तो कैफरे किरदार को जा पहुंचा, मगर वहशत और दरिंदगी का ये सिलसिला अभी भी बंद होने को नहीं है। सूबा भर में 1 साल में 1400 से ज़ायद ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में 2018 का आखिरी वाकया आयशा नामी बच्ची का अभी चंद हफ्ते पहले रुनमा हुआ, मगर अभी तक मुलजिम का सुराग नहीं लग सका। मासूम ज़ैनब को दुनिया से रुखसत हुए 1 बरस बीत गया, मगर दिल है कि किसी तौर करार नहीं पाते। ज़ैनब के वालिदैन का कहना है कि उन्हें तो इंसाफ मिल गया, मगर ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए अदालतों को सख्त कवानीन के साथ साथ मरबूत हिकमत अमली अपनानी होगी। कैमरामैन शब्बल जुल्फी के साथ मरवान सर चौधरी, लाहौर न्यूज़।